प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। जी डॉक्टर साहब, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट को लेकर रखी है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने 2 दिन पूर्व भोपाल में जो बातें प्रेस को वहां पर बताई थी, उसी को विस्तारित रूप से हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, जिसमें सबसे खास बात तो ये रही कि जो 27 लाख किसानों का जो कर्जा माफ किया गया था हमारी कमलनाथ सरकार द्वारा उनके 18 महीने के कार्यकाल के दौरान, उसको आगे ले जाने की बजाय शिवराज सिंह सरकार ने उसको बहुत पीछे लेके चले गए और उन्होंने बहुत किसानों में भ्रम फैलाने की चेष्टा की कि साहब 27 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी भी किसान का नहीं हुआ, जबकि वास्तविक स्थिति अन्य थी और उन्होंने विधानसभा में उसको स्वीकार किया था। वही बात हम लोगों को आप तक पहुंचाना थी। दूसरी बात ये कि 5 हॉर्स पावर तक का जो बिजली का बिल है वो शून्य किया जाएगा हमारे किसान साथियों का, और जिन लोगों को टेम्परेरी कनेक्शन भी लेना होगा अगर बिजली का पंप के लिए, उनको भी उस संबंध में मुफ्त वो दिया जाएगा। साथ ही साथ किसानों पर जो अवैध रूप से जो मुकदमे दायर कर दिए गए हैं उनका FIR दर्ज कर दी गई है, उनके ऊपर बिजली विभाग के बहुत सारे मुकदमे ला दिए गए हैं, वो उनसे भी उनको मुक्ति दिलाई जाएगी। जो बिजली का बिल शहरी क्षेत्रों में 100 यूनिट माफ और 200 हाफ का जो नारा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए भी लागू किया जाएगा। अमित शाह के ऊपर आरोप नहीं है, बल्कि हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि बहुत नितांत घबराहट की स्थिति में, नहीं तो केंद्रीय गृह मंत्री को अपना पूरा मणिपुर जैसा इतना ज्वलंत मुद्दा छोड़ करके मध्य प्रदेश का दौरा करना पड़ रहा है 24 घंटे में 2-2 बार। वो इस बात से घबराए हुए है कि कांग्रेस यहाँ पे बहुत समग्र रूप से और बहुत प्रचंड रूप से आ रही है। देखिए ये जो एक बीजेपी का जो वर्किंग है, बीजेपी कॉन्ट्रैक्टर भी बीजेपी की पसंद का, ये पंजाना की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में काम चल रहा है कि अपने लोगों को बुलाओ, वो कैपेबल है कि नहीं है, वो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर या वो उस टाइप का कंस्ट्रक्शन उन्होंने कभी किया है नहीं किया है, इसकी कोई खोज खबर लिए बिना इनको कांटेक्ट दे दिए जाते हैं। नतीजे के रूप में ये जो सामने आया आपके रेलवे के नीचे, यदि बाई दिन रस्ते से कोई ट्रेन गुजर रही, यात्री ट्रेन गुजर रही होती तो क्या हाल होता। ये पूरे मध्य प्रदेश को चरागाह बना के इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, जो चाहे रोड के हों, चाहे आप खंडवा के देखिए सड़क बनाई है बॉम्बे बाजार की, झाड़ू लगाना है वो खड़ रही है साहब, कौन जिम्मेदार है इसका? 100 करोड़ रुपए से ऊपर की नर्मदा जल योजना को पी गए ऊपर से लोटा ऐसा लगा के, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एग्रीमेंट में चेंज करते हैं, पाइप बदल देते हैं, कास्ट आयरन की जगह प्लास्टिक के पाइप डालते हैं, मांग करने पे कोई कचरे की टोकरी में, हमने क्या हमने उसके खिलाफ, आप तो सब जानते हैं हमने नर्मदा जल के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया था, देयर इज नो रिजल्ट, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, अफसर ट्रांसफर हो गए, बात रफा दफा हो गई, बात खत्म हो गई। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारी सरकार बनने पर हम इसकी जांच कराए। बीजेपी जो है वो एक समरसता यात्रा निकाल रही है और बहुत सारी यात्राएं निकाल रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का क्या स्ट्रेटजी है और समरसता यात्रा को किस तरीके से देखती है? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि उसके बाद समरसता यात्रा का चुनावी फायदा लेने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। मैं बेहद कम शब्दों में यह बात कहना चाहता हूँ, इस यात्रा और लाने का उनका औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले दलित समाज के, अनुसूचित जाति वर्ग के जो नेता है, वो कैसे इस यात्रा का स्वागत करेंगे, जबकि उनका खुद का विधायक यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं देता है। मेरा मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है जिसको शासन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, सिर्फ ये कहकर कि इस पर जांच नहीं की जा सकती। सवाल इस बात का है कि आप एक नकली व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, उसको आप पिछले 15 सालों से खंडवा का विधायक बनाए बैठे हैं। अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग हमारे जितने भी भाई बंधु है, मैं उनकी तरफ से बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा का स्वागत कैसे होना चाहिए, आप ही बताए। मैं इस यात्रा का विरोध नहीं करना चाहता,
मैं लेकिन इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से ये पूछना चाहता हूँ, जो लंबा समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्या उनके साथ न्याय हो पा रहा है? तो ये समरसता कैसी होगी? समरसता तो संभव ही नहीं है। आप एक नकली व्यक्ति को हमारे सामने प्रतिनिधि बनाकर खड़ा करते हैं और आप समरसता की बात करते हैं, अफसोस की बात। कुंदन मालवीय प्रदेश कांग्रेस महामंत्री। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।